आज हम पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन के बारे में यानी कि फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन में कंपैरिजन करना है यानी मवाजना करना है यानी कौन कौन सी बातें फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन के प्रोसेस में सिमिलर हैं और कौन कौन सी बातें डिसिमिलर हैं यानी एक दूसरे से मिलती जुलती नहीं है तो फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन के प्रोसेसेस बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं तो अगर हम फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन के प्रोसेस को यहाँ पे इस इन इक्वेशंस की मदद से समझें तो इन इक्वेशंस की मदद से हमें पता चलेगा कि फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन का प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के लिए उनकी लाइफ के लिए उनके जिंदा रहने के लिए कितने जरूरी प्रोसेसेस हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस फूड मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस होता है तो इस प्रोसेस में क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लाइट एनर्जी यानी सोलर एनर्जी या सूरज की रोशनी की मौजूदगी में क्या करते हैं फूड बनाते हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल की फॉर्म में इसके अलावा ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है तो ग्रीन प्लांट्स एलजी की स्पीशीज और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है यानी ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं अब हम बात करते हैं रिस्पायरेशन की जिसे सेलुलर रिस्पायरेशन भी कहा जाता है तो ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस का अपोजिट है अब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में फूड मैन्युफैक्चर होता है जबकि रिस्पायरेशन के प्रोसेस में फूड की ब्रेक डाउन होती है ताकि एनर्जी रिलीज हो अगर हम यहां पे देखें तो ये वाला एरो सेलुलर रिस्पायरेशन के प्रोसेस को शो कर रहा है जिसमें कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं और ऑक्सीजन की मौजूदगी में इनका ब्रेकडाउन हो रहा है और क्या चीज रिलीज हो रही है केमिकल एनर्जी और किस फॉर्म में रिलीज हो रही है ए टी पी की फॉर्म में ए टी पी क्या है एनर्जी मॉलिक्यूल्स प्लस हीट रिलीज हो रही है तो यही जो एनर्जी है ये सारे जो होते हैं वो अपने फंक्शंस करने के लिए यानी सेल के जो मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं इसके अलावा ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के जो डिफरेंट फंक्शंस होते हैं उनके लिए जो एनर्जी जरूरत होती है वो यहां से आती है यानी सेलुलर रिस्पायरेशन के नतीजे में आती है तो अब हम फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन का कंपेरिजन देखेंगे तो सबसे पहले हम कंपैरिजन करने से पहले वो कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं या वो खसूसियात देख लेते हैं जिनकी बेस पे हम फोटोसिंथेसिस और इस्पाइरेशन के दरमियान मवाजना करेंगे तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं या वो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें शामिल है मेटाबोलिज़म यानी फोटोसिंथेसिस और के प्रोसेस में मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस कैसे होता है? तो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस किसे कहते हैं तो मेटाबॉलिज्म का जो वर्ड होता है वो तमाम केमिकल रिएक्शंस को शो करता है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में हो रहे होते हैं और जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जिंदा रहने के लिए जरूरी हैं तो हमने कंपैरिजन मेटाबॉलिज्म की बेस पे करना है इसके अलावा एनर्जी इन्वेस्टमेंट की बेस पे कि फोटोसिंथेसिस और इस्पायरेशन में एनर्जी कैसी कितनी यूज़ होती है इसके अलावा हमने ये कंपैरिजन करना है कि फोटोसिंथेसिस और इस्पायरेशन का प्रोसेस किन किन ऑर्गेनिजम्स में होता है इसके अलावा हमने ये देखना है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में ये प्रोसेसेस अकर कहाँ होते हैं यानी कि फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता कहाँ पे है इसके अलावा हमने ये देखना है कि फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस है वो किस टाइम होता है तो इन फैक्टर्स की बेस पे या इन कैरेक्टेरिस्टिक्स की बेस पे हम फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन का कंपेरिजन कर लेते हैं तो फोटो में मेटाबोलिज्म की जो टाइप होती है या कैटेगरी होती है वो है एनाबोलिज्म जबकि रिस्पायरेशन में जो मेटाबोलिज्म की कैटेगरी या टाइप है वो है कैटाबोलिज्म तो एनाबोलिज्म किसे कहते हैं एनाबोलिज्म में कंपाउंड्स की सिंथेसिस होती है जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि फोटोसिंथेसिस के, फोटो के प्रोसेस में फूड मैन्युफैक्चरिंग होती है तो एनाबोलिज्म में क्या होगा सिंथेसिस ऑफ ऑल कंपाउंड्स नीडेड बाय सेल्स यानी सेल को जितने कंपाउंड्स जितने न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है तो उसकी सिंथेसिस होती है तो इस तरह के मेटाबोलिज्म को एनाबोलिज्म कहा जाता है जबकि अगर हम बात करें रिस्पायरेशन की तो रिस्पायरेशन में मेटाबॉलिज्म की क्या कैटेगरी है कैटाबॉलिज्म तो कैटाबॉलिज्म में क्या होता है जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि जो फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी ब्रेक डाउन होती है ताकि एनर्जी रिलीज हो सके जो कि ऑर्गेनिजम्स इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज के लिए तो ये तो था एक कम्पेरिजन जो कि हमने मेटाबोलिज्म की बेस पे किया अब हम बात करते हैं दूसरे कैरेक्टरिस्टिक या फैक्टर की तो वो क्या है एनर्जी इन्वेस्टमेंट यानी एनर्जी कहाँ पे लगाई तो अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस की तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है जो लाइट एनर्जी होती है जो कि इस प्रोसेस के लिए ज़रूरी होती है तो वो कहाँ पे चली जाती है वो फूड मॉलिक्यूल्स में स्टोर हो जाती है यानी जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या जिसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल की फॉर्म में फूड बनता है नॉर्मली तो उसके जो केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं उसमें ये जो लाइट एनर्जी कैप्चर की होती है ग्रीन प्लांट्स ने तो वो सेव हो जाती है बॉन्ड एनर्जी में जबकि अगर हम एनर्जी इन्वेस्टमेंट की बात करें रिस्पायरेशन के प्रोसेस में तो रिस्पायरेशन के प्रोसेस में क्योंकि फूड मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन होता है तो इसलिए जो फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो तब्दील हो जाती है एटीपी मॉलिक्यूल्स में और ए क्या है एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं जो कि ऑर्गेनिजम्स अपनी मुख्तफ किस्म की एक्टिविटीज में इस्तेमाल करते हैं अब हम बात करते हैं एक और कंपैरिजन की तो हम ये देख लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस और एक्सपाइरेशन का प्रोसेस किन किन ऑर्गेनिजम्स में होता है तो अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस की तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सर्टेन बैक्टीरिया की स्पीशीज़ में यानी ख़ास किस्म की बैक्टीरिया की स्पीशीज़ होती हैं जो अपना फूड ख़ुद प्रिपेयर कर सकती हैं उनमें होता है इसके अलावा तकरीबन तमाम जो प्लांट्स होते हैं उनमें भी फोटो का प्रोसेस होता है और एल में भी फोटो का प्रोसेस होता है जबकि अगर हम बात करें रिस्पायरेशन के प्रोसेस की तो रिस्पायरेशन का प्रोसेस तमाम के तमाम ऑर्गेनिज़म्स में होता है अब हम एक और कंपैरिजन देख लेते हैं फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन के प्रोसेस में तो हमने ये देखना है कि फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन का प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है और उनके अंदर जो सेल्स होते हैं उनमें कहाँ कहाँ होते हैं तो अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस की तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है ख़ास किस्म की ऑर्गेनालीज में जिसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट तो अगर हम एक डायाग्राम की मदद से देखें तो क्लोरोप्लास्ट हमें इस तरह की ऑर्गेनालिज नजर आती हैं और क्लोरोप्लास्ट मौजूद कहां पे होती हैं? प्लांट्स के अंदर जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं और ग्रीन पार्ट ज्यादातर कौन सा पार्ट होता है लीव्स वाला पार्ट या जो यंग स्टेम्स होती हैं वो भी ग्रीन होता है तो उनके सेल्स में इस तरह की खास किस्म की ऑर्गेनालीस होती हैं जिनको क्या कहा जाता है जिनको कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जो हमें ग्रीन ग्रीन कलर नजर आ रहा है ये खास किस्म का ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है अब हम देखते हैं कि रिस्पायरेशन का प्रोसेस में कहां पे होता है तो रिस्पायरेशन का प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है तो साइटोप्लाज्म सेल का कौन सा हिस्सा होता है साइटोप्लाज्म वो पार्ट होता है फ्लूड पार्ट जिसमें के बाकी की ऑर्गेनालीज़ मौजूद होती हैं तो जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है उसमें जो मुख्तफ़ स्टेप्स होते हैं वो कुछ साइटोप्लाज्म में होते हैं और कुछ खास किस्म की ऑर्गेनालीज़ होती हैं जिन्हें माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है जो इस तरह की डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनालीज़ होती हैं तो उनमें भी रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है अब हम बात करते हैं एक और कंपैरिजन की और वो क्या है टाइम ऑफ अक्रेंस यानी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कब होता है सेल में और रिस्पायरेशन का प्रोसेस कब होता है तो जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो डे टाइम पे होता है क्योंकि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए लाइट एनर्जी की जरूरत होती है तो इसलिए क्योंकि दिन के टाइम लाइट एनर्जी होती है तो लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है जबकि अगर हम बात करें रिस्पायरेशन के प्रोसेस की तो रिस्पायरेशन का प्रोसेस ऑल द टाइम होता है यानी दिन रात हर टाइम रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है तो यहाँ पे हम एक डायग्राम की मदद से सेलुलर रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस का कंपैरिजन देख लेते हैं तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है फोटोसिंथेसिस में सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि लाइट एनर्जी की जरूरत होती है यानी ये प्रोसेस डे टाइम में होता है इसके अलावा इस प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की ज़रूरत होती है और फूड मैन्युफैक्चर होता है ग्लूकोज की फॉर्म में साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है तो यहाँ से एक और अगर हम कंपैरिजन देखें तो यहाँ पे फूड बनता है जबकि यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से फूड बना हुआ होता है तो सेलुलर रिस्पायरेशन में वही फ़ूड इस्तेमाल होता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में ताकि इसका ब्रेक डाउन हो और केमिकल एनर्जी रिलीज हो यानी एटीपी की फॉर्म में एनर्जी रिलीज हो जिसको के ऑर्गेनिजम्स इस्तेमाल करें इसके अलावा अगर हम देखें तो जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है जबकि अगर हम सेलुलर रिस्पायरेशन का प्रोसेस देखें तो वो माइटोकॉन्ड्रियाम में होता है इसके अलावा अगर हम कहें कि ये जो बाहर वाला इन्वायरमेंट है ये सेल है और ये जो फ्लूड पार्ट है ये साइटोप्लाज्म है तो सेलुलर रिस्पायरेशन का प्रोसेस साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रियाम में होता है तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने पढ़ा कंपैरिजन ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पायरेशन के बारे में